जंगल में मिले अधजले शव का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी अमित सांघी ने बताया कि मृतक युवक घर में काम करने वाली महिला पर गलत नियत रखता था, जिससे परेशान होकर महिला ने पति के साथ मिलकर युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। छतरपुर पुलिस ने जंगल में मिले अधजले शव का खुलासा करते हुए बताया है कि वन विभाग की सूचना पर जंगल में जला हुआ शव बरामद हुआ था, जिसे देखकर प्रारंभिक तौर पर ही हत्या का मामला लग गया था, जिसकी जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक टीम गठित की गई। टीम ने 3 दिन के अंदर मामले का खुलासा किया। मृतक रामविलास अवस्थी खजुराव का रहने वाला था, जो अपने भतीजे के घर पर रहता था, जिसके घर पर पति पत्नी काम करते थे, लेकिन मृतक युवक काम पर आने वाली महिला पर गलत नजर रखता था और परेशान भी करता था। इस बीच कई बार इन लोगों का झगड़ा भी हुआ, लेकिन बार बार मना करने पर जब वो नहीं माना तो पति पत्नी ने मृतक को घूमने के बहाने बुलाकर जंगल में धारदार हथियार से हत्या कर दी। थाना सटई क्षेत्र में 26 तारीख को वन विभाग की सूचना पे वन में एक थोड़े से जली हुई एक लाश मिली थी। प्रारंभिक तौर पे ही ये लग रहा था कि एक हत्या का मामला है। इसमें बाद में 302 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया पीएम रिपोर्ट आने के बाद, और एडिशनल एसपी एसडीओपी और थाना प्रभारी राकेश तिवारी और उनकी टीम और साइबर की टीम ने लगकर इसको 3 दिन में खुलासा किया है। इसमें जो कहानी सामने आई है वो ये है कि मृतक राम विशाल अवस्थी जो है या खजुराहो का रहने वाला था, और इसके भतीजे के घर पर दो लोग पति पत्नी काम करते थे, और ये अविवाहित था, 50-52 साल इसकी आयु थी। पत्नी को ये परेशान करने लगा था, इस पर से इनका बीच में कई बार विवाद भी हुआ, और जब इनको लगा कि ये नहीं मान रहा है तो प्लानिंग के तहत फ़ोन करके जटाशंकर घूमने के बहाने थाना सटई के जंगलों में इसको बुलाया, शराब पिलाई। जब ये पूरी तरह से नशे में आ गया तो कुल्हाड़ी से वार करके इसकी हत्या कर दी गई, और इसके बाद पति पत्नी दोनों वहाँ से चले, और फिर बाद में जब ये टीम को जब इन पे संदेह हुआ तो इनको गिरफ्तार किया गया, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।